Good morning, Dreamy. बोलो ना क्या हुआ he will decide and inform you. I need shop. Okay. चैनल लिंगा किधर है? यहाँ लगे इधर से चल। इधर से क्या? ये फर्स्ट राइट है सेकंड राइट है? फर्स्ट राइट सेकंड राइट। हाँ, चैनल लिंगा इतना है, आदियोगी इतना है। चैनल लिंगो पहले जाओ ना। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, पर यहाँ पर मुझे मेरे शिवा दिख रहे हैं। ये जो नारियल का या फिर पाम ट्रीज है, चाहे जो भी ट्रीज है, उसके पीछे आदियोगी का मुझे जटा दिख रही है उनकी। तो बॉडी में पूरे घूस बम्स आ रहे हैं यार। हर हर महादेव। पार्किंग उधर है क्या? नेक्स्ट लेफ्ट है ना? हाँ, नेक्स्ट लेफ्ट है ना। थ्री टू उधर थ्री चेंज ओनली 20। हाँ तो देना तो है ना पैसे बाबा, चेंज है ना उसमें, चेंज लेस तो किसको देगा फिर वो भाई। ओके थैंक्स अ लॉट। हर हर महादेव। ओके ऑल राइट, अभी
आधी होगी, पहुंच चुके हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि का जस्ट अभी फेस्टिवल हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर सब जगह पे पूरा काम चल रहा है, जो कि फेस्टिवल की सारी तैयारी की थी उसको रिमूव करने का काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली पार्किंग थोड़ी दूर है, अगर आपको आधी होगी स्टैचू की तरफ भी जाना है या फिर आपको जाना है ध्यान लिंगा की तरफ, तो पार्किंग एक ही है, तो पार्किंग अराउंड 1 किलोमीटर अंदर है, वहाँ से फिर से चल के जाना है। और अभी आई थिंक 12 बज रहे होंगे, गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, जल्दी से जल्दी मिलते हैं, ध्यान लिंगा की तरफ जाते हैं, बाय। कैमरा बैग्स वैल्यूएबल कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर देखने के लिए ये सारी चीज़ें रखने के लिए यहाँ पर फ्री सर्विस दी जाती है, जिसके अंदर हम लोग हमारे सारे वैल्यूएबल थिंग्स रखने वाले हैं। ये कैमरा भी अभी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगा, सो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। कैमरा अंदर रखना है सर, स्टिकर लाओ ना। ओके, हेलमेट स्कैन होने के बाद उसके ऊपर ऐसे वाला स्टिकर लग रहा है, ये स्टिकर लगने के बाद ही आप यहाँ पर काउंटर में इसको सबमिट कर सकते हो। ईशा योगा सेंटर में आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले आपको तीर्थ कुंड मिलेंगे, जिसके अंदर महिलाओं के लिए चंद्र कुंड होता है और पुरुषों के लिए सूर्य कुंड होता है। ये दोनों कुंड का पानी मंत्रोच्चार द्वारा एनर्जाइज किया जाता है, जिसके अंदर जाके आपकी तन की और मन की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप बढ़ते हो नंदी महाराज की तरफ, जो कि बड़े से नंदी महाराज ध्यान लिंगा की तरफ देखते हुए मिलते हैं। ध्यान लिंगा की तरफ जाने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के मंत्रोच्चार या फिर कोई इच्छा या फिर कोई भी अन्य विचार नहीं करने हैं, और जाके सिर्फ और सिर्फ आपको शांत बैठना है। आप जब भी ध्यान लिंगा के अंदर जाके शांति से बैठोगे, आपको बहुत ही अलग ही अनुभूति मिलने वाली है, तो वो तो आपको पर्सनली जाके ही मिलेगी, वो शब्दों में बताना नामुमकिन है। ध्यान लिंगा का दर्शन लेने के बाद आप जाओगे लिंग भैरवी मंदिर के अंदर, वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग ही लेवल का है। उसके बाद आपको अगर मेडिटेशन करना है या फिर कोई कोर्स करना है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो सीधे आप आओगे शॉपिंग सेंटर की तरफ, जो कि ईशा फाउंडेशन का खुद का ही है। साथ ही साथ में वहाँ पर कैंटीन भी मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही रिजनेबल रेट्स के साथ आप अच्छे से खाना खा सकते हो। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप निकलते हो आदियोगी स्टैचू की तरफ। ऑलराइट, सुबह से घूम घूम के हम लोग अभी थक चुके हैं थोड़ा सा, और ध्यान लिंगा टेम्पल है, ध्यान लिंगा टेम्पल के अंदर हम लोग थे सुबह से, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की। वहाँ पर मोबाइल और कैमरा कोई भी अलाउड नहीं था, इसलिए अभी जो भी मोबाइल और कैमरा सब लेके बाहर आ चुके हैं अभी, और ड्रेसिंग देख सकते हैं आप, ड्रेसिंग में लुंगी पहनी है हम लोग ने, और मैं जिस जगह पे आया हूँ वो जगह आपको भी देखनी चाहिए अभी फिर से, क्योंकि वही एक हमारा मेन एक्साइटमेंट है। यहाँ पर दिख रहे हैं शिवा। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पाविपस्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका टमट 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 टमन निनाद वट मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमम प्रमण्य लिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रथी
प्रतीक्षणम मामा। ओके ऑल राइट, अभी हम लोग ध्यानलिंगा टेम्पल से बाहर आ चुके हैं। वहाँ पर अभी धूप तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग जस्ट दो तीन फोटोज लेने के लिए आए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, शिवा है, पसीने से आपको दिख रहा ही होगा मैं बहुत ज़्यादा लथपथ हो चुका हूँ, तो इसीलिए पहले थोड़ा सा फ्रेश होना है जाके, फ्रेश होने के बाद मैं फिर से आऊँगा आपको। ऑल राइट, अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ, होटल जाके फिर से फ्रेश होकर रिटर्न आना है। योगी सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा नेक्स्ट लेवल है, तो फिर आपको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप जब पर्सनली आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का, अब तक का तो। और यहाँ के जो फाउंडर है, जो जिनका नाम जगदीश वासुदेव है, जिनको पूरी दुनिया सद्गुरु के नाम से जानते हैं, उनको मेरा दिल से सलाम है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इतना अच्छे से साइंटिफिकली एलाबरेट किया गया है, उन्होंने ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से यहाँ पर क्रिएट की है, तो उनको दिल से सलाम है, फिर से दिल से सलाम है उनको। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यहाँ पर आपको लाइफ में एक बार आना ही है। तो मैं जो होटल के बारे में बता रहा था कि होटल के चार्जेस यहाँ पर बहुत ही अलग ही लेवल के हैं चार्जेस, तो उन चार्जेस से बचना है तो आपको ये वाला होटल विज़िट करना। तो आदियोगी के लिए जस्ट जिस जंक्शन से राइट साइड में जाना है 7 किलोमीटर्स के लिए, उसी जंक्शन के जस्ट पहले ही आपको लेफ्ट साइड में ये वाला होटल मिलेगा, आर्यस रेसिडेंसी एंड रूम कॉटेजेस। यहाँ का स्टाफ और खाना और रूम सारी के सारी चीज़ें एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्वालिटी फूड है और क्वालिटी रूम्स भी है। रूम में जो एमिनिटी बोलते हैं वो सारे रूम की एमिनिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सामने आपके सामने सारी की सारी चीज़ें बना के दे देगी आपको वो। और यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग है, बाहर पार्किंग के लिए जगह है, पीछे इनका जो कॉटेज है या फिर जो होटल है बोल सकते हो, पीछे के साइड में पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बस तक आके खड़ी हो सकती है। और अगर आप हमारा रेफरेंस दोगे इनको तो फिर आपको अच्छे तरीके से डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग मैनेजर से जाके, उन्होंने बोला है श्योरली देंगे वो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, अभी आए हैं हम लोग नाइट में शो देखने के लिए, और मेला भरा हुआ यहाँ पर, धूम बाइक भी है, तो मेला लगा हुआ है और हम लोग एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए बहुत भाग भाग के आए। और हम लोग को यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और बहुत चिल्लाया हम लोग को, ऑब्वियसली हमको समझ में नहीं आया, पर जो भी बोला इतना समझ में आया कि बहुत ज़्यादा स्पीड से भगा रहे हो आप, आराम से चलाइए, दिस इज़ टेम्पल ऐसा वगैरह बोला उन्होंने। तो लेज़र शो चालू होने वाला है, भाग भाग के अभी सांस फूल रही है, थोड़ा सा वेट करते और स्टेबल होके शांति से लेज़र शो इन्जॉय करते हैं। ड्रीम कमिंग ट्रू वाला मोमेंट था और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। तो मूड रिफ्रेश करने के लिए हम तीनों दोस्त जो जाके नाचे हैं वो आप भी देख लीजिए। Thank you.
राइट, और आपके करेक्ट 8 बज रहे और जाने का टाइम आ गया। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किसी का, तेरा ही? अरे नहीं, अभी और एक दिन रुकने का ऐसा मन कर रहा है। और क्या बोल रहे? और एक दिन रुकने का मन कर रहा है, और एक बार शो देखने। एक बार क्या, 10 बार शो देख लो फिर भी मन भरने नहीं वाला है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। पर आगे जाके राइड भी कंटिन्यू करना है, पूरा साउथ घूमना है, इसलिए टाइम भी कम है हमारे पास, तो जाना तो पड़ेगा। अगर आपको आदि योगी में आना है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। वैसे हम लोग स्वप्निल को भी एक बार पूछते हैं, स्वप्निल जाने का मन है? नहीं नहीं जाना है मुझे यार, यही पर संन्यास ले ले लेते बट काम पे जाना भी है ना, संन्यास लेने का मन कर रहा है लिटरली यहाँ पर आके। तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस है, तो पक्का आना यहाँ पर और मिलते हैं। आने के लिए सोचना मत, डायरेक्टली आ जाना, डायरेक्टली आ जाना और पूरा एंजॉय करोगे। वर्थ इट आप इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आओगे फिर भी एकदम वर्थ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।